हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंडियन आर्मी में यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बहुत सारे जो कि रैली के जो JCO और वार्क में जो कि पोस्ट निकला होता है, तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में क्या क्या रिसेंटली पोस्ट हुआ है और किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सब देख सकते हैं कि मैं जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल जो पेज है यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली जो जो पोस्ट हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट निकला हुआ है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट लिखावली अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम 11 जनवरी 2019 में इसका जो आपको एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है बिहार एंड झारखंड दानापुर AR मुजफ्फरपुर जनवरी 2019 रैली नोटिफिकेशन सीकर 2019 आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट द इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम UNA फ्रॉम 12 जनवरी टू 22 जनवरी 2019 सिफोए फार्मा रिक्रूटमेंट फॉर लक्ष्मणी रिक्रूटमेंट फॉर ACP फार्मा फॉर माही एंड चूरू रैली फ्रॉम 14 जनवरी 2019 टू 24 जनवरी 2019 नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट जो कि है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते तो यहाँ से आप कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो पोस्ट दिया हुआ है, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है या आपको लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन से आपको वो पोस्ट जो कि आपको मिल सकता है, आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एंड किला लिकावाली अरुणाचल प्रदेश, इसका मैं डाउनलोड कर लेता हूँ PDF जो कि ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसका। उसके बाद इसका जो डिटेल है मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं वन बाय वन जो कि यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि रिक्रूटमेंट पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग इस पेज में आके वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो कि अरुणाचल प्रदेश जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इसका डिटेल्स क्या है मैं अभी आप लोगों को साथ आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ आप किस तरह से जो कि अप्लाई कर सकते हैं उसका भी मैं डिटेल्स यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जोरहाट आसाम आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट लिकावाली अरुणाचल प्रदेश 11 जनवरी 2019 टू 16 जनवरी 2019 आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्प फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश WEF 11 जनवरी 2019 टू 16 जनवरी 2019 एट लिखावाली वेन्यू। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटोरी एंड विल बी ओपन 10 नवंबर 2018 टू 16 दिसंबर 2018 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना होता होगा तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। तो जिसका डेट 10 नवंबर 2018 से शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2018 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप बताऊँगा कि उसके बाद क्या है। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल फ्रॉम 27 दिसंबर 2019 टू 9 जनवरी 2019। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन करते हैं तो उसके ठीक लास्ट डेट के बाद जो कि है 27 दिसंबर 2018 से 9 जनवरी 2019 तक सॉरी फैन तक आपको जो कि यहाँ पे अप्लाई कर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको भेज देंगे ईमेल के थ्रू। तो दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी एज लिमिट रहेगा यहाँ पे 17 ईयर से 21 ईयर तक। मिनिमम हाइट जो है यहाँ पे आपको 160, वेट है 48 kg, चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, एक्सपीरियंस 5 सेंटीमीटर। तो एजुकेशनल चाहिए आपके यहाँ पे मैट्रिक विथ 45 मार्क्स इन एग्रीगेटेड 33 इन ईच सब्जेक्ट।
उसके बाद है सोल्जर टेक्निकल, जिसका एज लिमिट आपको रहेगा 17 to 23 ईयर्स तक। आपको यहाँ पे हाइट लगेगा 157 एंड वेट 48 और चेस्ट है 77। तो इसके लिए आपको 10+2 जो कि हाई एजेस आपको पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिकली आपको यहाँ पे आपको साइंस ग्रुप से आपको अगर है तो आप ही अप्लाई कर सकते। उसके बाद है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जिसका एज लिमिट आपको सेम रहेगा 70 to 23 तक। और इसका भी आपका जो कि हाइट है 157 एंड वेट 48 एंड 77 फॉर चेस्ट, इसका भी सेम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 या हायर सेकेंडरी पास विथ साइंस स्ट्रीम। उसके बाद जो है सोल्जर ट्रेसमैन, जिसका भी एज आपको सेम ही रहेगा। आपको हाइट जो लगेगा यहाँ पे 160 48 फॉर केजी एंड 77 फॉर चेस्ट। 10+ IIT आपको सॉरी ITI आपको जो कि क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ एक्सेप्ट फॉर द साइज मैस कीपर एंड हाउस कीपर हु मे बी 8 पास। उसके बाद है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट 17 to 23 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। 160 फॉर हाइट एंड 48 फॉर वेट एंड 77 सेंटीमीटर फॉर चेस्ट। इसके लिए आपको जो कि यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कोई भी स्ट्रीम से अगर आप एजेस पार्ट्स एजेस आपका क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, यहाँ पे लद्दाख की के लिए 157 हाइट चेस्ट 50 एंड वेट 77 एंड गोखरास बोथ नेपाली एंड इंडियन हाइट 157 चेस्ट जो कि है 48 एंड वेट 77। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे और क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके लिए मैं अभी बोल देता हूँ। फिजिकली फिटनेस टेस्ट जो कि एट रेली साइड जो होगा आपको यहाँ पे ग्रुप 1 अप टिल 5 मिनट 30 सेकेंड, ग्रुप 2 5 मिनट 30 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड, मार्क्स 60 and 48, फुल अप्स 10 and 9 marks, 40 and 30, नीड टू क्वालिफाई जो कि जिग जग बैलेंस एंड 9 फीट डीच। रिमार्क जो कि होगा प्रोविजन फॉर द एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किमी रन इन टू हाईली ट्रेन टीडियन इन द फॉलोज बिटवीन द 5000 PT to 9000 FT एट 30 सेकेंड टू ऑल टाइमिंग। तो दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकली जो टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा एंड रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन सॉरी सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था जो कि इंडियन आर्मी के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है आसाम जोरहाट या लिकाबाली अरुणाचल प्रदेश के जो पोस्ट यहाँ पे निकला हो उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। इसके अलावा मेरा जो कि ट्विटर एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को पूछ सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही है, अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।